हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। बात करेंगे आज ऐसे पैनी शेयर की जिसके क्वार्टर टू के नंबर्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था और मंडे के दिन जो है ये कंपनी अपने क्वार्टर टू के नंबर्स पेश करने वाली है। क्या कुछ अपडेट निकल के आ रहा है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं साधना ब्रॉडकास्ट की, जिसके पिछले क्वार्टर वन के जो नंबर्स थे वो बहुत ही शानदार देखने को मिले थे, लेकिन अब क्वार्टर टू के नंबर्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। तो क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना इस स्टॉक के अंदर सही ऑप्शन हो सकता है, और डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस स्टॉक का कि आफ्टर क्वार्टर टू क्या कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आने की एक्सपेक्टेशंस साधना ब्रॉडकास्ट में बन सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले अमेरिकन बाजार की बात करूं तो ये कल का डाटा है, यानी कि आफ्टर इंडियन स्टॉक मार्केट जो है अमेरिकन बाजार खुलता है, और अमेरिकन बाजार की हालत देखिए आपकी 2.5% के आसपास जो है डोजोन्स हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला और 32,861 पॉइंट्स पे जाके अपनी क्लोजिंग दी है। तो एक अच्छा खासा उछाल जो है कल के दिन हमें अमेरिकन बाजार के अंदर देखने को मिला, और इसका सीधा सीधा असर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी मंडे के दिन देखने को मिल जाएगा। और मंडे के दिन ही जो है साधना ब्रॉडकास्ट अपने क्वार्टर टू के नंबर्स भी पेश करने वाली है, तो दो दो अच्छी खबरें निकल के आ रही है। अगर मैं नैसडेक की भी बात करूं तो नैसडेक के भी अंदर जो है ऑलमोस्ट 3% के आसपास का उछाल देखने को मिला, कंसिस्टेंटली जो है लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला, और 309 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 11,102 पॉइंट्स पे अपनी क्लोजिंग देते हुए नजर आया है। तो नैसडेक और डोजोन्स यानी कि दोनों ही अमेरिकन बाजार के जो इंडेक्सेज हैं, एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, और जिसका सीधा सीधा असर मंडे के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिल सकता है। अगर साधना ब्रॉडकास्ट की अगर मैं लास्ट क्लोजिंग डे की बात करूं तो ऑलमोस्ट देखिए आपको 4.85% का अपर सर्किट के साथ जो है क्लोजिंग देते हुए नजर आया। यहां पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है, लेकिन उसके बाद से जो है यहां पे स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिला और एक अच्छा खासा उछाल इस स्टॉक में दोबारा से आ चुका है। लास्ट क्लोजिंग 11.90 रुपए पे रही थी, और उसके बाद से अगर मैं 5 दिन के रिटर्न चार्ट पे आपका ध्यान लेके जाऊं तो ऑलमोस्ट 11% तक के रिटर्न जो है 5 दिन के अंदर साधना ब्रॉडकास्ट ने इन्वेस्टर्स को बना के भी दी है। क्वार्टर वन के जो नंबर्स थे बहुत ही कमाल के नंबर्स देखने को मिले थे, और उसके बाद से जो है गिरावट भी हुई अच्छी खासी स्टॉक के अंदर, लेकिन अब जो है क्वार्टर टू का इंतजार जो था नंबरों का वो खत्म हो चुका है। और अगर आप इसका एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 30% के आसपास तक ये स्टॉक करेक्ट भी हो चुका है। 6 महीने के चार्ट पैटर्न पे अगर आप ध्यान देंगे तो ऑलमोस्ट 274% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स भी जो है साधना ब्रॉडकास्ट ने बना के भी दिए। यहां से स्टॉक लगातार भागा, ऑलमोस्ट जो है 30 रुपए के आसपास तक स्टॉक गया, उसके बाद से डाउनसाइड मूवमेंट, फिर थोड़ा सा अपसाइड, फिर डाउन डाउन करके ऑलमोस्ट जो है स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। तो अगर मैं मोटे मोटे राउंड फिगर्स में अगर बात करूं तो यहां से अगर बाइंग की बात करूं, किसी ने यहां पे बाइंग की थी और अभी तक होल्ड किया है तो उसको जो है यहां पे ऑलमोस्ट उसका जो पैसा है वो अगर उसने 100 रुपए भी इन्वेस्ट करे थे तो ऑलमोस्ट उसके पास अभी 35 रुपए ही बचे होंगे। तो अच्छी खासी जो है दो हिस्से की जो है गिरावट ऑलरेडी साधना ब्रॉडकास्ट में हो चुकी है, और क्वार्टर टू के नंबर्स का इंतजार तो था ही। अगर आप इसका एक साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट 962% तक के रिटर्न जो है साधना ब्रॉडकास्ट ने इन्वेस्टर्स को बना के भी दिए हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं और उसके फ्री कॉल्स पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां पे हर रोज बैंक निफ्टी की 1 से 2 फ्री डेमो कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, जिनकी एक्यूरेसी 90-95% तक रहती है। अगर आप भी अपना बैंक निफ्टी में नुकसान कर चुके हैं तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो डेमो कॉल्स मैं प्रोवाइड करता हूं उनकी एक्यूरेसी तो रहती ही है अच्छी खासी, और साथ ही साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो होती हैं। अगर आप इसके जो मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे देखिए 31 अक्टूबर को यहाँ पे जनरल के लिए भी मीटिंग है, और साथ ही साथ में रिजल्ट्स भी जो है क्वार्टर टू के साधना ब्रॉडकास्ट अपने पेश करने वाली है, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा उछाल अगर नंबर्स पॉजिटिव आ जाते हैं साधना ब्रॉडकास्ट के तो एक अच्छा खासा उछाल जो है आपको इसके प्राइस की शेयर प्राइस के अंदर भी आने वाले वक्त में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसकी जो लास्ट क्लोजिंग डे का वॉल्यूम देखेंगे तो 40 लाख के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिला था, और अभी भी अगर मैं बाइंग प्रेशर की बात करूं आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स की तो 1,64,928 शेयर्स जो है बाइंग ऑर्डर में है, और सिर्फ 1,058 शेयर्स हमें यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर में देखने को मिल जाते हैं। अर्निंग कॉल्स यहाँ पे 31/10/2022 यानी कि मंडे के दिन यहाँ पे क्वार्टर टू के नंबर साधना ब्रॉडकास्ट अपने पेश करने वाली है। अच्छा खासा बाइंग प्रेशर है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी मार्केट कैप 119 करोड़ के आसपास का है, ईपीएस 0.14 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो अगर मैं बात करूं तो 8.21 की, और बुक वैल्यू पर शेयर बहुत ही कम है, 1.45 रुपए की है, पी 85 पर थोड़ा सा ओवरबोट अभी है, लेकिन हो सकता है कि करेक्शन के बाद या अगर नंबर्स अच्छे आ जाते हैं तो यहां पे स्टॉक आपको भागता हुआ भी देखने को मिल सकता है, सेक्टर पी 21.29 का देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ में अगर इस कंपनी की मैं बात करूं तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है, देखिए, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ टेलीविजन चैनल्स, न्यूज, फिल्म, म्यूजिक, सीरियल्स,
यानी कि एक तरह से आप कहेंगे तो एंटरटेनमेंट जो है कंपनी प्रोवाइड करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इनका बिजनेस जो है वो टेलीविजन चैनल्स के साथ, न्यूज, फिल्म, म्यूजिक और सीरियल्स के साथ देखने को मिल जाता है। और अगर इसका पीएनएल की बात करें हम, तो पीएनएल देखिए यहाँ पे सेल्स जो थी 36 करोड़ के आसपास की थी और जो है लास्ट क्वार्टर में 24 करोड़ के आसपास की रह चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जहाँ ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास का था, बीच में यहाँ पे 2019 में 2.25 करोड़ के आसपास पहुंचा था, लेकिन लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 25 लाख के आसपास का जो है हमें गिरावट, नुकसान, एक तरह से लॉस भी देखने को मिला था इसके क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। बैलेंस शीट की बात करूं तो यहाँ पे रिजर्व देखिए 4.5 करोड़ के आसपास है, लगातार रिजर्व जो है इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। और बोरोइंग्स भी जो है ऑलमोस्ट 5.25 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी के ऊपर, कर्जा भी देखने को मिल जाता है। अगर आप इसके प्रमोटर स्टेक की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 35% जो है प्रमोटर का स्टेक है, यानी कि जून क्वार्टर के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट 40.95% थी और उसके बाद से सितंबर क्वार्टर के अंदर यहाँ पे जो है प्रमोटर का स्टेक लगातार डिक्रीज होता हुआ देखने को मिला। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्वार्टर टू के जब नंबर्स आएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे प्रमोटर का जो स्टेक है वो आप लोगों को डिक्रीज होते हुए नजर आ जाएगा और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है आपको 5% से भी ऊपर का जो है डिक्रीजमेंट प्रमोटर के स्टेक के अंदर भी देखने को मिल रहा है। क्वार्टर टू के नंबर्स का इंतजार है कि मंडे के दिन कंपनी कैसे क्वार्टर टू के नंबर्स पेश करती है और उसके बाद से जो है क्लियर आइडिया निकल के आ जाएगा कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर बने रहना एक ऑप्शन है या फिर एग्जिट करना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पे फ्रेश एंट्री की भी कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेश एंट्री अभी अवॉइड करें जब तक क्वार्टर टू के नंबर्स नहीं आ जाते हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।